27 जून बरोज़ पीर जमयतुल हीरा अल सल्फिया चिलकलगुड़ा में अमीर मरकज़ी जमयत अहल हदीस हिंद फजीलतुल शेख जनाब असगर अली इमाम मेहदी, अमीर शहरी जमयत हैदराबाद व सिकंदराबाद फजीलतुल शेख जनाब शफीक आलम खान जामई, नाजिम शहरी जमयत हैदराबाद व सिकंदराबाद फजीलतुल शेख जनाब डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी व दिगर जिम्मेदारान का दौरा रहा, जिसमें अमीर मुहतरम ने जामे के मुख्तलिफ शोबेजात का बगौर जायजा लिया और डायरेक्टर ऑफ अल हीरा ट्रस्ट जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम की दीनी मिली रिफाही फलाही खिदमात को काफ़ी सराहा। वाज़ रहे जमयतुल हीरा अलसल्फिया शहर हैदराबाद का वाहिद इदारा है जो जमात व जमीयत से मुंसलिक है और अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। जामे में मुख्तलिफ शोबेजात हैं, जिनमें नुमाया तौर पर लड़कियों की दीनी तालीम का उसरी उलूम के साथ आलमियत तक अहतमाम है। नीज शोबे हिफ्जुल बनीन, जिसका बाकायदा रमज़ान बाद हॉस्टल की शक्ल में आगाज़ हो चुका है, जिसमें तकरीबन 50 के करीब तुलबा ज़ेरे तालीम है, जिसकी रोज़ अफजों तकरीर नहायत ही खुश आइंद है। इसके अलावा मुस्लिम घरानों की मैशियत को सहारा देने और इक्तिसाद को बहाल करने की गर्ज से मेहदी डिज़ाइनिंग ट्रेलरिंग कोर्स की बाकायदा तालीम जारी है। नीज़ जामतुल हीरा सल्फिया में बकरीद बाद मंदरजा जेल कोर्सेज का आगाज़ होने जा रहा है। कंप्यूटर कोर्सेज, जिसमें MS ऑफिस, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग जैसे अहम मौजूद तुलबा को सिखाए जाएंगे। सेलफोन मेकानिज़म, अमीर मुहतरम ने इन तमाम अजायम से खुश और मुतासिर होकर डायरेक्टर ऑफ जामतुल हीरा अल सल्फिया जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब और इनके दस्त राज व माउन जनाब अब्दुल बसीर सिद्दीकी शेखुल करीमुद्दीन साहब जनाब शब्बीर हुसैन साहब नाजिम जामतुल फजीलत शेख डॉक्टर मोहम्मद इरफान उमरी व दिगर असातेज़ा उकराम से मुस्तकबिल में और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए आकाशम उर्दू न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। मैं अमीर मरकज़ जमियत अहले हदीस हिंद, अमीर मरकज़ जमियत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद और दीगर तमाम मुआज़्ज़ज़ी कारकुनान जमीयत का पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। इस रौनक महफिल में मजलिस में आप सबका खुशामदीद करते हैं, आप सबका आना मुबारक करें। अहलम व सहलम मरहबा बिकुम। हजरात गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक तकरीबी प्रोग्राम है। उस्ताद जो खुद बन गया हो, फिर अब उसके साथ शागिर्दी का मामला कभी नहीं होता, चाहे वो शागिर्द जितना बड़ा हो जाए और उस्ताद चाहे जितना दुनिया उसको छोटा समझे, उस्ताद को छोटा होता नहीं है। तो आप लोग उस्ताद साबित हो गए और हम लोग सब लोग मौलाना शफीक साहब अमीर जमाते जमीयत हैदराबाद व सिकंदराबाद हैं, और आप लोग इतना ज़ोर से हैदराबाद व सिकंदराबाद कहते हैं, जमीयत का जिक्र आता है कि वहीं मैं खुश हो जाता हूँ। लगता है कि पूरी दुनिया की जमीयत से सबसे बड़े है, उसमें मरकज़ भी आप लोगों ने लगा लिया है, तब बचता क्या है? तो सारा ज़ोर सर्फ करते हैं। इसीलिए मेरे ख़्याल से सूबाई जमीयत पर, ये सिकंदराबाद हैदराबाद की जमीयत पर लोगों की नज़र लग जाती है, पहले आप ही लोगों की नज़र लग जाती है। तो उसको जब भी कहिए मरकज़ और हैदराबाद, जमीयत हैदराबाद व सिकंदराबाद, तो ज़ोर से तो ज़रूर कहिए, और ज़ोर से कहें ना कहें उसमें ज़ोर है मौजूद, ताकत है, तो ज़ोर से ज़रूर कहिए, लेकिन माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहिए, समझाएंगे नहीं, ताकि वक्ती और दिगर जो प्लानिंग के तहत हमारे आमाल की ख़राबी की वजह से, हमारे नाइत्तफाक़ी की वजह से, तख्वा इखलास की कमी की वजह से, अपने मिशन और मकसद को सिर्फ अहले हदीसों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए हमको बर्पा किया गया था, उन सब मकसद के ओझल होने की वजह से, दूर होने की वजह से जो इतने तरह के झमेले और मसाइल नज़र आते हैं, उसमें कम से कम ये नज़र बद वाला एक और चीज़ दाखिल ना हो, है कि नहीं, बल्कि और ये आगे बढ़े और बहुत अच्छी तरीके से बढ़े। मैं इस सिलसिले में, जैसा कि मैंने किया कि उस्ताद फिर शागिर्द नहीं बनता है, लेकिन नसीहत की बात तो ज़ालतुल मोमिन है, चाहे उस्ताद हो चाहे शागिर्द हो, नबी लोगों का भी यही मसला है, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन। जैसे हमारी बहनों की सबसे अच्छा हार जो इनकी अम्मा देंगी
शादी या इनके शौहर अता करेंगे, इनके ससुर देंगे, इनकी वालदा जाते वक्त देंगी कि बेटी ये हार नहीं है, ये तुम उस घर के सिंगार हो असल में, और तक्वा और तहारत और ईमानदारी उस घर की बरकत हो, और इस घर की बरकत लेके नहीं जा रही हो बल्कि इस बरकत को बढ़ाने जा रही हो, समझा कि नहीं। जहाँ जाओगी उसमें नूर बरसेगा, वो खाना आबादी होगी,